अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल यूनानी स्कॉलर, माई सेल्फ डॉक्टर बुशरा अब्रार। तो चलिए फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, बिना देर किए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं टॉक्सिकोलॉजी इल्मुस्समूम। जैसा कि हम लोग जनरल टॉक्सिकोलॉजी प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम जो पॉइजन्स हैं वन बाय वन उसको डिटेल में पढ़ेंगे। हम कोई भी पॉइजन जो पढ़ेंगे उसको कुछ हेड्स में पढ़ेंगे, जैसे हम पॉइजन के पैदा होने वाले साइन एंड सिम्टम्स पढ़ेंगे, पॉइजन की क्या फैटल डोज है यानी उसकी मोहल्लिक मकदार खुराक कितनी है, फैटल पीरियड कितना है यानी मुद्दत हलाकत कितनी है, कितनी देर में उसे लेने के बाद मरीज़ की मौत हो जाती है वो फैटल पीरियड कहलाता है, और अगर कोई स्पेसिफिक एंटीडोट मौजूद है उस पॉइजन का तो उसके बारे में पढ़ेंगे, और जो ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट है पॉइजन का वो पढ़ेंगे, मेडिको लीगल इम्पॉर्टेंस क्या है यानी कि पॉइजन सुसाइड के लिए यूज़ किया जाता है जनरली, होमिसाइड के लिए या एक्सीडेंटल केसेस होते हैं उससे, और पोस्टमार्टम अपीयरेंस में क्या मिलता है अगर किसी की डेथ हो जाती है पॉइजनिंग की वजह से और फिर उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है तो एक्सटर्नली उसमें क्या चेंजेस मिल रहे हैं बॉडी में और इंटरनली क्या चेंजेस मिल रहे हैं, ये सब हम पोस्टमार्टम अपीयरेंस में पढ़ेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। कोरोसिव पॉइजन, इसे समूम अक्काल भी कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन है, अ कोरोसिव इज अ सब्सटेंस दैट फिक्सेस डिस्ट्रॉयज एंड इरोड द सरफेस विद विच इट कम्स इनटू कांटेक्ट, जिस सरफेस के भी कांटेक्ट में आते हैं उसको इरोड एकदम डिस्ट्रॉय कर देते हैं ये कोरोसिव पॉइजन। इनको ब्रॉडली टू ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है, एसिड्स एंड अल्कलीज यानी हामिस और कलवियात। अब हम शुरू करने जा रहे हैं हामिस यानी एसिड्स। तो हम पहला पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक एसिड यानी हामिस, किबरियती या तेजाब गंधक, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2SO4, ऑल्सो नोन एज ऑयल ऑफ विट्रियोल एंड बैटरी एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रियोल और बैटरी एसिड भी कहा जाता है। ऑयल ऑफ विट्रियोल इसे क्यों कहते हैं, विट्रियोलिज कहा जाता है एसिड थ्रोइंग या एसिड अटैक को। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है मेनली जो चेहरे पे तेजाब वगैरह फेंक देते हैं इस तरह के जो केसेस होते हैं ये सल्फ्यूरिक एसिड उसमें इस्तेमाल किया जाता है, इसी वजह से इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं, और इसे बैटरी एसिड कहते हैं क्योंकि जो बैटरीज में एसिड यूज़ होता है ये सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। इट इज़ अ वॉलेटाइल कलरलेस कोरोसिव पॉइजन विथ पंजेंट स्मेल एंड टेस्ट। इसकी फैटल डोज होती है 10 to 15 ml, फैटल पीरियड है 12 to 24 hours। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड को हामिस शूरा भी कहते हैं, HNO3 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। इट इज ऑल्सो कलरलेस एंड वॉलेटाइल कोरोसिव पॉइजन विथ पेक्यूलियर स्मेल। इसका फैटल डोज होता है 10 to 15 ml और फैटल पीरियड है 12 to 24 hours। अब इसमें थर्ड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, इसको तेजाब मलही या तेजाब नमक भी कहते हैं। ये वॉलेटाइल कलरलेस पॉइजन होता है, इसका बर्निंग टेस्ट होता है। इसकी फैटल डोज होती है 50 to 20 ml और फैटल पीरियड है 12 to 30 hours। हम लोग ये तीन पॉइजन सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तीन कोरोसिव पॉइजन को हम कंबाइन करके पढ़ रहे हैं क्योंकि इनसे पैदा होने वाले जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो तकरीबन एक ही जैसे होते हैं, इनका ट्रीटमेंट भी सेम होता है, इनके पोस्टमार्टम अपीयरेंस वगैरह सब कुछ इनका सेम है, इसलिए इन तीनों को हम एक साथ कंबाइन करके एक ही साइन एंड सिम्टम इन सबकी हेडिंग में हम पढ़ेंगे। और ये हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना आप लोगों की बुक्स में दिया है, जितना आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है, जितना आप लोगों को पता होना चाहिए आपको एग्ज़ाम में लिखना है, या उतनी ही डिटेल हम आपको बताएंगे। साइन एंड सिम्टम्स क्या पैदा होते हैं इससे, बर्निंग सेंसेशन एट द पार्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, जिस भी बॉडी सर्फेस के ये कॉन्टैक्ट में आता है वहाँ बर्निंग सेंसेशन पैदा हो जाता है। रेडनेस व्हेन द डाइल्यूटेड पॉइजन कम्स इन कॉन्टैक्ट अदरवाइज अल्सरेशन, अगर ये स्किन के हमारे कॉन्टैक्ट में आ रहा है और ये डाइल्यूटेड फॉर्म में है तो सिर्फ रेडनेस कॉज करेगा, लेकिन अगर कंसनट्रेटेड है तो ये अल्सरेशन पैदा कर देगा स्किन में। व्हेन इंजेस्टेड ट्रिकलिंग मार्क्स एट द एंगल ऑफ माउथ, अगर इसे इंजेस्ट किया जा रहा है, पिया जा रहा है, तो एंगल ऑफ माउथ के जो
लिप्स के चारों तरफ हमें टिकलिंग मार्क्स मिलेंगे, ड्रॉप ड्रॉप के एकदम जले हुए से मार्क्स मिलेंगे। कोरोजन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ थ्रोट एंड ईसोफेगस, और जो म्यूकस मेम्ब्रेन होगी माउथ थ्रोट ईसोफेगस की एकदम कोरोडेड होगी, एकदम से जली हुई होगी, इरोड हो चुकी होगी एकदम। एपिगैस्ट्रिक पेन स्प्रेड ऑल ओवर द एब्डोमेन एंड थॉरेक्स, एपिगैस्ट्रिक रीजन में हम एकदम से पेन होगा पेशेंट को बहुत ज़्यादा, और ऐसा लगेगा जैसे वहाँ से पेन एकदम पूरे एब्डोमेन में जा रहा है, थॉरेक्स में जा रहा है, बहुत सीवियर पेन होता है। फेरेंजियल पेन द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम, फेरेंजियल पेन होता है अगर कोई पेशेंट इसको इंजेस्ट कर लेता है कोई शख्स, तो उसका जो फर्स्ट सिम्टम एकदम जाहिर होता है उसे जो फेरिंग्स में उसके गले में बहुत ज़्यादा तेज जलन का एहसास होता है। टीथ उसके जो पॉइजन के इसके कोरोसिव इफेक्ट की वजह से एकदम चौकी वाइट टीथ हो जाते हैं, इसका खास पहचान होती है। और टंग जो मिलेगी इसकी, टंग एकदम स्वेलन होती है, सॉर्डन एंड ब्लैक होगी टंग, एब्डोमेन डिस्टेंडेड हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टेंडर होगा। आइज आर सनकिन, आँखें एकदम अंदर घुसी हुई होंगी, एंड प्यूपल्स डायलेटेड, डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग एंड टॉकिंग, पेशेंट को कोई चीज़ निगलने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होगी, वो किसी चीज़ को नहीं निगल पाएगा, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पी पाएगा, एंड टॉकिंग और बोलने में भी उसे बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। लूज मोशंस एंड डिहाइड्रेशन, और इसके साथ ही मरीज़ को लूज मोशंस की शिकायत हो जाती है और फिर बहुत ज़्यादा उसका बॉडी से लॉस हो जाता है वाटर, तो उसे डिहाइड्रेशन हो जाता है। बीपी और पल्स भी उसका डिक्रीज हो जाता है। अनकॉन्शियसनेस और द पेशेंट कोलैप्स इन द एक्सट्रीम पॉइजनिंग केसेस, एक्सट्रीम पॉइजनिंग केसेस में पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, वो कोलैप्स कर जाता है। व्हेन इनहेल्ड रेस्पिरेटरी साइन एंड सिम्टम्स, अगर ये इनहेल किया गया है पॉइजन, क्योंकि वॉलेटाइल होता है, इसके बहुत ज़बरदस्त फ्यूम्स निकलते हैं, अगर इसके ज़्यादा क्वान्टिटी में फ्यूम्स इनहेल कर लिए हैं, बॉडी में चले गए हैं, तो इससे क्या साइन एंड सिम्टम्स पैदा होते हैं? इन्फ्लेमेटरी एडिमा ऑफ ग्लॉटिस और लैरिंग्स, जो हमारा लैरिंग्स होता है और ग्लॉटिस होता है उसमें एडिमा हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज सांस नहीं ले पाता, उसके लंग्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से मरीज़ को डिस्निया हो जाता है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा तंगी परेशानी हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसका सफोकेशन दम घुटने लगता है और अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ हो जाती है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। वर्क द पार्ट विथ वाटर इमिडिएटली आफ्टर दी कॉन्टैक्ट, जिस भी पार्ट के बॉडी सरफेस के किसी के भी पार्ट के अगर एक्सटर्नली कॉन्टैक्ट में आया है तो उसको इमिडिएटली पानी से वॉश किया जाए खूब अच्छी तरह। गैस्ट्रिक लवाज एंड एमेटिक्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कोरोसिव पॉइजनिंग में, ये जो गैस्ट्रिक लवाज होता है स्टमक वॉशिंग और एमेटिक्स यानी कि वॉमिटिंग हम नहीं करा सकते मरीज को। वैन इंजेस्टेड डिमल्सेंट्स आर गिविन, इसमें डिमल्सेंट्स दिया जाता है जैसे घी दूध वगैरह, ये सब चीज़ें मरीज़ को पिलाई जाती हैं ताकि एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लगे जी आई टी पर। एंड रेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इज सिम्टोमेटिक, और बाकी का जो हम ट्रीटमेंट करेंगे वो जो पेशेंट के सिम्टम्स होंगे उस वक्त उस सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे अगर कोई पेशेंट सर्कुलेटरी शॉक में जा रहा है, उसका पल्स बीपी बहुत ज़्यादा लो हो रहा है, तो हम उसे फ़ौरन आईवी ड्रिप लगाएंगे, उसका बीपी मेंटेन करेंगे। ट्रेकियोस्टमी ऑफ देयर इज एडिमा ऑफ ग्लॉटिस, अगर उसका जो एपिग्लॉटिस में एडिमा हो गया है, पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है, तो उसे फ़ौरनली हम उसका ट्रेकियोस्टमी करेंगे। ट्रेकियोस्टमी क्या होता है, इसमें जो ट्रेकिया होता है उसमें इंसिजन दिया जाता है ताकि जो एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, पेशेंट को सांस लेने में परेशानी हो रही है, वो उसका ठीक हो जाए। और फिर इसके साथ साथ प्रोफाइलेक्टिक एंटीबॉडीज भी हम एंटीबायोटिक्स भी हम शुरू कर देते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो मरीज़ को। नो ओरल फीड अंटिल एंडोस्कोपी कन्फर्म्स द एक्सटेंट ऑफ एनर्जी, कोई भी हम ओरली मरीज़ को फीड नहीं कराएंगे, कोई खाने पीने की चीज़ नहीं देंगे जब तक कि हमें उसकी एक्सटेंट ऑफ इंजरी नहीं पता लग जाती है। लेप्रोटमी इज़ रिक्वायर्ड फॉर पेशेंट्स विद गैस्ट्रिक परफोरेशन एंड पेरिटोनाइटिस, अगर जिन मरीजों में गैस्ट्रिक परफोरेशन हो गया है, पेरिटोनाइटिस हो गया है, तो उसमें लेप्रोटमी किया जाता है, ओपन सर्जरी होती है स्टमक की। अब बात करते हैं पोस्टमार्टम अपीयरेंस की, अगर मरीज़ की मौत हो गई है और उसका पोस्टमार्टम हुआ है तो उसके एक्सटर्नली हमें क्या क्या चांसेस मिलेंगे। एविडेंस ऑफ एसिड कोरोजन एंड केमिकल बर्न विद ब्राउनिश ब्लैक कोरोडेड स्पॉट्स आर सीन ओवर द चिन चीक्स नेक एंड चेस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रिकलिंग ऑफ द एसिड,
यानी अगर किसी शख्स ने एसिड पिया है तो ऐसा तो नहीं डायरेक्टली वो अपने मुंह में डाल लेगा, उसकी कुछ ड्रॉप जो उसकी ट्रिकलिंग होगी उसकी चिन पर, चीक्स पर, इन सब पर पे भी गिरेगी, तो वहाँ भी उसकी इरोजन के हमें मार्क्स मिलेंगे, स्पॉट्स मिलेंगे कोरोडेड। एक्सकोरिएशन ऑफ लिप्स, जो उसके लिप्स होंगे वो एकदम स्क्रैच होंगे, फटे हुए होंगे, एक्सकोरिएटेड मिलेंगे। कोरोजन ऑफ म्यूकोसा ऑफ माउथ एंड टंग, जो म्यूकोसा होगी माउथ और टंग की वो एकदम कोरोडेड होगी। चौकी वाइट टीथ, जो उसके टीथ होंगे एकदम चौक की तरह वाइट होंगे। इंटरनली क्या चेंजेस मिलेंगे पोस्टमार्टम में? इंटरनली जो अपर गैस्ट्रिक, अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगी और रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, उसमें एकदम से वो सीवियरली इन्फ्लेम्ड होगा, कंजेस्टेड मिलेगा। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक एंड इसोफेगस आर सीवियरली इन्फ्लेम्ड। मेडिको लीगल इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी? एक्सीडेंटल पॉइजनिंग रिजल्ट्स ड्यू टू मिस्टेकिंग इट फॉर ग्लिसरीन और कैस्टर ऑयल। इसकी एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो जाती है, इसको मिस्टेकिन कर लेता है, जैसे कोई अगर ग्लिसरीन समझ के या कैस्टर ऑयल समझ के किसी बॉटल में, शीशी में रखा हुआ है, तो किसी ने एकदम मुंह में डाल लिया, उसे नहीं पता कि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है या नाइट्रिक एसिड है, और सुसाइड की, लेकिन सुसाइड के केसेज इससे होते हैं रियली, होमिसाइड इन यू, होमिसाइड के केसेस इससे कम होते हैं, लेकिन ये इंडिया की बदकिस्मती है कि यहाँ पर ब्राइडल बर्निंग केसेस काफ़ी होते हैं इससे। और कॉमनली इसे विर्चुअल एज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एसिड थ्रोइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, थैंक यू।